हेलो दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट ईशान, एक्सपर्ट वकील में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अगर कोई व्यक्ति कोई बिल्डिंग बना रहा है या फिर उसकी मरम्मत कर रहा है या फिर उस बिल्डिंग को गिरा रहा है और इन तीनों कामों की वजह से अगर कोई हादसा हो जाता है तो क्या ये किसी अपराध में माना जाएगा या फिर नहीं माना जाएगा। और अगर बिल्डिंग बनाते गिराते या फिर मरम्मत करते वक्त अगर कोई हादसा होता है, अगर ये अपराध है तो वो किस धारा के तहत मामला दर्ज होगा और सजा का क्या प्रावधान है, इसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिल सके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि ऐसे लीगल नॉलेज और लीगल वीडियो जैसे ही अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच सके। तो चलिए शुरू कर दें। तो फ्रेंड्स, अगर कोई व्यक्ति कोई बिल्डिंग को बना रहा है या किसी बिल्डिंग को गिरा रहा है या फिर किसी बिल्डिंग पर मरम्मत कर रहा है और उस व्यक्ति की या तो लापरवाही के कारण या फिर वो जानबूझकर ऐसा कुछ करता है जिससे उसके आजू बाजू में जो जन संभव है, जो मानव जीवन है, उस पर खतरा होता है या और कोई हादसा हो जाता है तो ये एक दंडनीय अपराध माना जाता है। इसे इंडियन पेनल कोड सेक्शन 288 यानी कि 228 की तरह इसमें मामला दर्ज होता है और सजा का प्रावधान दिया गया है। ये एक नॉन कंपाउंडेबल यानी कि समझौता पात्र अपराध नहीं है। ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है यानी कि संज्ञेय अपराध है और बेलेबल ऑफेंस है। इंडियन पेनल कोड सेक्शन 288 यानी कि 288 ये कहती है कि अगर कोई व्यक्ति किसी बिल्डिंग को गिरा रहा है या मरम्मत कर रहा है या बना रहा है और उसके कारण उसके आजू बाजू के जो मानव जीवन है उस पर भय या संकट हो रहा है या कोई ऐसा हादसा हो जाता है जिससे मानव जीवन को खतरा होता है तो उस व्यक्ति को इस धारा से तहत दोषी माना जाएगा। तो और इस धारा के तहत सजा का जो प्रावधान है वो 6 महीने तक की कारावास या फिर 1,000 रुपए तक का जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं तो अगर ए नाम का कोई व्यक्ति है जो कि अपने मकान को गिरा रहा है या फिर मरम्मत कर रहा है या फिर उसे बना रहा है लेकिन उसकी जो लापरवाही है उसके कारण उसके आजू बाजू में जो कच्चे मकान है या दूसरे मकान है उसको कुछ भय संकट उत्पन्न हो रहा है या कोई ऐसा हादसा हो जाता है जिससे मानव जीवन पर संकट होता है तो ए को इंडियन पिनल कोड सेक्शन 288 के तहत दोषी माना जाएगा और उसे 6 महीने तक की कैद की सजा या फिर जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। यानी कि अगर कोई व्यक्ति मकान बना रहा है, गिरा रहा है या मरम्मत कर रहा है तो उसे लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। उसे ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी तरह का कोई हादसा ना हो जाए वरना इस धारा के तहत यानी कि इंडियन पिनल कोड सेक्शन 288 के तहत उसे दोषी माना जाएगा और सजा 6 महीने तक की कैद की सजा या फिर 1,000 रुपए तक का जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी मकान को बना रहा है, गिरा रहा है या फिर मरम्मत कर रहा है और अगर कोई हादसा हो जाता है तो उसे किस धारा के तहत सजा हो सकती है और कितनी सजा हो सकती है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये इन्फॉर्मेशन जरूर बताएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि ऐसे ही लीगल नॉलेज और लीगल वीडियो जैसे ही अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच सके। इसके साथ ही आप हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहां पर भी काफी सारी इंपॉर्टेंट टिप्स और वहां पर भी इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल्स है वो शेयर किए जाते हैं। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।